परिवार में कौन कौन बता। बहुत बढ़िया दुख की घटना है जी। परिवार में इकलौता बच्चा था, एक इसकी बहन है इससे छोटी। जाओ जाओ सुशीला। हाँ जी, न्यूज़ के सभी दर्शकों का नमस्कार। एक बुरी खबर आई है, नरवाना का जो मॉल खेड़ा वाली नहर है वहाँ पर धुआना खेड़ा का एक लड़का बिहार के इरादे से अपने दोस्तों के साथ गया था, लेकिन वहाँ पर अचानक आकस्मिक डूबने से उसकी मौत हो जाती है। परिवार वालों पहुँच भी जाते हैं, गोताखोर भी पहुँचता है उजाना से बबली, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। और जैसा कि प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ सदर थाना से और कागजी कार्रवाई की जा रही है। नहाने के इरादे से गया था, आकस्मिक जो मौत हुई है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। एक व्यक्ति एक युवा जो नहाने, गर्मी का मौसम है जैसे मैं नहाने के लिए वो नहर पर गया था, और वहाँ पर जब छलांग लगा जाता है तो दोबारा वापस नहीं निकलता, जिसके कारण से हादसे में तब्दील हो जाती है ये पूरा वाक्य है। तो अब नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, जहाँ पर उस लड़के का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और सदर थाना प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। जिस पर परिवार के काफी आदमी और जो से बताई जा रही है क्या कुछ मामला है। आज दुआना खेड़ा का एक 18 साल का लड़का नहाने के लिए चला गया था गुटरी पुल के पास। लड़का का नाम था अमन, पिताजी का नाम था मनोज कुमार। प्लस टू पास करके बी ए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है। और यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भी सब अच्छा शरीफ लड़का बताया है। और उसके परिवार के दो लड़कों के साथ नहाने के लिए नहर पर चला गया, और उसके परिवार वाले बताते हैं कि वो ना तैरना भी जानता था, स्विमिंग की कोचिंग वगैरह तैरना वगैरह जानता था लड़का। तो नहर में पानी का बहुत ज़्यादा होने के कारण नहर में डूबने से मौत हो गई। उसके परिवार के तो दोनों साथी थे, उन्होंने घर सूचना दी, परिवार के सदस्य आ गए और उन्होंने उसकी उसी टाइम वही तलाश की नहर में, तो पुलिस कुछ आगे उसकी लाश वहाँ पर मिली। कितने बजे का मामला था ये? करीब 2:45 का करीब का मामला है, सूचना प्राप्त हुई है धर्मपुर। फिर थाना में सूचना मिलने पर मैं पूछ के लाश को यहाँ उसके परिजन सिविल हॉस्पिटल में ले आए, क्योंकि डॉक्टर ने देख के उसको दर्द। कितना समय लगा सर बॉडी को निकालने में? बॉडी को लग गया करीब आधा घंटा। गोताखोर भी पहुँचा था जिसमें गोताखोर तुम परिवार के लड़के सदस्य काफ़ी आदमी पहुँच गए थे, उन्होंने निकाल दिया। स्थानीय लोगों ने निकाला सर? हाँ, उसके परिवार के सदस्य गांव के। तो सर बताया जा रहा है कि ये स्विमिंग की तैयारी भी कर रहा था। हाँ, सुना है कि लड़का तैरना भी जानता था, लेकिन नहर की गहराई ज़्यादा है, पानी का बहाव तेज़ है, और प्रशासन ने इस नहर पर नहाने के लिए मनाही भी की हुई है। हम भी लगातार गश्त करते हैं कि भाई समझाते हैं जो नहर पर मिलते हैं कि पानी ज़्यादा है और पानी के अंदर भौं रुकते हैं नहर। सर आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं, तो जनता को मेरा ये संदेश है कि भाई समाज को इस तरह नौजवान पानी में डूब रहे हैं, बड़ी हानि है। इस परिवार का जवान बच्चा गया उसके लिए तो है ही है,
को, समाज को, देश के भी ऐसे जवान बच्चों को होने से बहुत आमदनी होती है। तो अपने बच्चों को समझाएं और नौजवान भी इससे बचे, नहर में ना पानी की गहराई ज़्यादा है, जवान उम्र होती है, इनको इस चीज़ का वो नहीं होता, ज़्यादा डर नहीं होता पानी में नहाना तैरना जानते हैं, बस इतनी बात में नहर में गिर जाते हैं और फिर वो पानी का बहाव का अनुमान ना होने के कारण और इस प्रकार की दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। सर, जो व्यक्ति तैरना नहीं जानते और जो तैरना जानते हैं उनके साथ भी ये घटना घट रही है, ये बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, जो तैरना जानते हैं उसका कारण यही है ना कि उनको अनुमान नहीं होता पानी कितना तेज बह रहा है, गहराई कितनी है, तो इस प्रकार ये घटना हो रही है। ठीक है, तो पोस्टमार्टम हो गया जी? पोस्टमार्टम डॉक्टर करण लग रहे हैं। होने के बाद परिवार में कौन कौन बताया जा रहा है कि कौन कौन थे, कितने? परिवार में बहुत बढ़िया दुख घटना है जी। परिवार में इकलौता बच्चा था, एक इसकी बहन है इससे छोटी, माता पिता खेती करते हैं, अकेला ही सारा था अपने माँ बाप का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चा था वो खो दिया, और SHO सदर थाना आत्माराम से बातचीत की है और अमन नाम का लड़का बताया जा रहा है 18 साल का।